आज भी हमारे भारत में कंप्यूटर और मोबाइल से संबंधित समस्याओं को लेकर 100 से 500 या इससे ज़्यादा रुपए लिए जाते हैं, और हम नहीं चाहते कि आपकी मेहनत की कमाई बेकार जाए। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टेक्निकल समस्याओं की जानकारी इसी यूट्यूब चैनल पर मिले। हमारी यह कोशिश भी है कि हमारे किसी सब्सक्राइबर को कोई समस्या ना हो, अगर है तो हमें बताएं। और हाँ, वीडियो देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हमें आगे भी आपसे सपोर्ट मिले। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जगत ज्ञान में। आपने विंडोज 10 तो चला ही होगा, और विंडोज 10 में एक थोड़ी सी समस्या आती है। वो क्या होता है मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देख लीजिए, मैं अभी विंडोज 10 चला रहा हूँ, और जब से मैंने इंस्टॉल किया है और मैं फ़ोटो ओपन करता हूँ, जैसे कोई भी फ़ोटो ओपन करता हूँ तो ये इसमें ओपन हो जाती है। ये देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने ये फ़ोटो करी तो ये देखिए, ये कुछ अजीब सा ऑप्शन आ गया है इसमें। अजीब सा कुछ कह सकते हैं, अजीब सा सॉफ्टवेयर है ये। इसके थ्रू फ़ोटो ओपन हो जाती है, और जैसे कि ये माउस से जूम हो जाता था, और जो विंडोज़ का ओरिजिनल फ़ोटो जो आता था विंडोज 7 में, वो ये है नहीं। तो उसको कैसे लाएंगे, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मज़ा आ नहीं रहा है। इसमें फंक्शन तो है काफ़ी सारे, लेकिन बात वो नहीं है जो उसमें थी। तो उसको लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे तो बंद कर देते हैं अभी। ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना होगा, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ पे जाइए, आप देख रहे होंगे वीडियो तो आपको नीचे शिव मोर दिखा होगा, वहाँ पर जाइए, आपको ये फाइल का लिंक मिलेगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपके सामने ये फाइल कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसको एक्सटेंड ऑल करना है, और उसके बाद एक्सटेंड करेंगे और फिर फाइल को ओपन कर लेंगे, और फिर ये आपको कुछ इस तरह से फाइल मिलेगी। इसको जो है ऊपर करके मर्ज करना है और रन कर देना है। यस के लिए ऑप्शन आएगा तो यस कर देंगे, फिर दोबारा से यस के लिए आएगा, यस कर देंगे, ओके कर देंगे। अब आपको इसे क्लोज कर देना है, इसका काम हो चुका है। अब दोबारा से फोटो पर आ जाएंगे, कोई सी भी फोटो लेंगे, दोबारा ओपन करके देखेंगे, अभी भी हमारा ओरिजिनल नहीं आया है जो विंडोज 7 में होता था। इसको क्लोज करेंगे, अभी यहाँ से राइट क्लिक करेंगे फोटो के ऊपर, प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, और यहाँ पे देख रहे होंगे आप ओपन विद फोटोज, और यहाँ से चेंज का ऑप्शन दिखेगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये देखिए, ये यही ऑप्शन होता था विंडोज 7 में, विंडोज फोटो व्यूअर। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे, अब अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। चलिए अब दोबारा ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, जो हमारा विंडोज 7 का ओरिजिनल था, जो ओरिजिनल फंक्शन था, जो हमें काफ़ी बढ़िया भी लगता था, वही आ गया है इसमें। और ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, 1% भी अगर वीडियो आपको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हमें आगे भी आपसे सपोर्ट मिलता रहे कि हम आगे भी कुछ इस तरह के वीडियोस बनाते रहें। दरअसल हमारे वीडियो जो होते हैं कंप्यूटर और एंड्रॉयड मोबाइल की समस्याओं पर आधारित होते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हमें लगातार सपोर्ट मिले, हम कुछ इस तरह से काम करते रहें। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम धीरे धीरे काम ही बंद कर देंगे, फिर जो है एक आदमी और गायब हो जाएगा जो आपको सपोर्ट करता है। तो जहाँ तक कोशिश हो सके मदद कीजिए, और कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, और कुछ पूछना भी चाहते हैं तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा।